के दिलवार रोड पुलिया पर सोमवार दोपहर में एक इको गाड़ी आगे आगे चल रहे एक ट्रक में जा घुसी। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने के कारण उक्त हादसा घटित हुआ। हादसे में इको गाड़ी के चालक की मौत हो गई तथा गाड़ी में सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि तीन के मामूली चोटें आई। दुर्घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे थाना पुलिस ने ट्रक में घुसी इको गाड़ी को खींचकर बाहर निकलवाया तथा मृत चालक को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की मोर्ची में रखवाया। शेष सभी सवारियों को उपचार हेतु एकेश पहुंचाया जहां पर दो गंभीर घायलों को उपचार हेतु भर्ती किया गया तथा शेष तीन लोगों को प्राथमिक चिकित्सा की गई। हादसे की जानकारी के बाद बड़ी संख्या में आसपास के लोग दिलवाड़ रोड पुलिया स्थित घटना स्थल पर जमा हो गए। जानकारी के अनुसार मानसरोवर जयपुर निवासी छह लोग शादी पार्टी में जूस के स्टॉल लगाने के काम करते हैं। सोमवार को पाली में एक समारोह में जाने के लिए सभी लोग एक इको गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे। दिलवाड़ रोड पुलिया के पास इको गाड़ी के आगे चल रहे एक ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इस दौरान तेज गति से चल रही इको गाड़ी का चालक गति को नियंत्रित कर पाता। इससे पहले तेज रफ्तार इको गाड़ी ट्रक के पीछे घुस गई जिसके कारण चालक मानसरोवर निवासी बलजीत उर्फ बल्लू की मौत हो गई जबकि गाड़ी में सवार गणेश तथा राजू नामक युवक घायल हो गए। शेष तीन सवारियों को मामूली चोटें आई है। दोनों घायलों का एकेश में उपचार जारी है। पुलिस ने मृतक गाड़ी चालक के परिजनों को सूचना दे दी है। दिलवाड़ा पुलिया पर हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया जिस पर मौके पर पहुंचे वहाँ देखा कि एक इक्को गाड़ी आगे चल रहे ट्रेलर में घुस गया जिसमें इक्को में सवार पांच व्यक्ति थे जिनमें से एक मौके पर मृत्यु हो गई और तीन इंजर्ड हुए। उनको पहुँचा है